देश भर में कोरोना टीकाकरण का अभियान का पहला चरण शुरू हो चुका है। शनिवार सुबह 10:30 बजे बहरोड विधायक बलजीत यादव, नेमराणा SDM योगेश देवल, DSP महावीर सिंह शेखावत, CSP प्रभारी डॉक्टर KP सिंह और नेमराणा थाना प्रभारी गौरव प्रधान सहित काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने इस मौके पर CSA के स्टाफ की समस्याएं जानी व समाधान करने का आश्वासन दिया। CSA के तकनीकी सहायक भवानी शर्मा ने विधायक से CSA में महिला कर्मचारी की पोस्ट अधिक होने से स्टाफ की कमी की बात बताई। उन्होंने कहा कि रात्रि में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगने पर 2 कर्मचारियों की ड्यूटी एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। वह महिला कर्मचारी की रात्रि में सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड की भी मांग की गई। विधायक बलजीत यादव ने कोरोना की वैक्सीन आने की सभी को बधाई देते हुए कहा कि चिन्हित लोगों के वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। विधायक ने कहा कि CSA देखने से लगता है कि यहां दरिद्रता छाई हुई है। नेमराणा CSA के वैक्सीनेशन सेंटर पर 100 हेल्थ वर्कर्स की पहली डोज लगा दी गई। इस दौरान डॉक्टर OP यादव, भवानी शर्मा, भूप सिंह व नर्स सविता देवी, शशि बाला, अशोक कुमार, दिनेश पीपली, राधेश्याम सहित CSA का स्टाफ मौजूद रहा। कोरोना वैक्सीन की शुरुआत सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तथा राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने VC के जरिए इसका शुभारंभ किया। वहीं मानसूर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बड़ी सुरक्षा के साथ पुख्ता बंदोबस्त CSA पर किए गए तथा चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल को प्रथम टीका लगाया गया। इस मौके पर मानसूर CSA प्रभारी डॉक्टर भूरा सिंह ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया और बड़ी निगरानी के साथ उन्हें 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। इसके बाद सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीकाकरण किया गया। इस दौरान सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को सैनिटाइज करवाकर स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीकाकरण किया गया। पूरे राजस्थान में ही हो रही है, हमारे नेमराणा CSA पे भी इसकी शुरुआत हुई है। मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई जा रही है। जो इस कोरोना से पूरा विश्व आतंकित रहा और जनजीवन जबरदस्त ढंग से प्रभावित रहा, उद्योग धंधे ठप हो गए, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता। मैं कहूँ कि पूरा विश्व जैसे डर और एक गम के से माहौल में जी रहा था और लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द वैक्सीन की खोज हो। लोगों की मैं कहता हूं प्रार्थना भगवान ने सुनी, जल्दी ये वैक्सीन आ गई और वैक्सीन आने के बाद इस कोरोना के ऊपर मैं समझता हूं बहुत ही जल्द पूरा विश्व विजय हासिल करेगा और इसमें हमारा राजस्थान सबसे आगे रहेगा। पहले भी कोरोना के वक्त राजस्थान सरकार ने भी खूब मेहनत करके काम किया।